फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हेशेरी रसोई। आज मैं आपके साथ एकदम डिफरेंट तरीके से बनी हुई बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बनने वाली इडली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस इडली को बनाने के लिए ना हमें किसी सांचे की जरूरत होती है ना किसी मोल्ड की, हम इसे स्पॉट पे ही बना सकते हैं और शायद इसीलिए इस इडली का नाम स्पॉट इडली है। इसे स्पेशल गन पाउडर के साथ सर्व किया जाता है और उसकी रेसिपी मैं जल्दी अपलोड करूंगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लोगों की लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। हैदराबाद की फेमस स्पॉट इडली जैसी इडली बनाने के लिए मैंने लिया है एक बाउल सूजी, जिसे मैंने बड़े बर्तन में कर लिया है और इसी में हम डाल देंगे ये आधा कप दही और दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही थोड़ी खट्टी हो तो ज्यादा अच्छा है, वरना आप नॉर्मल दही से भी इन इडलियों को बना सकते हैं। इसी में हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और जितनी हमें जरूरत होगी उतना हम पानी ले लेंगे। आप चाहें तो इसे छाछ के साथ भी बना सकते हैं, यानी कि बटर मिल्क के साथ भी बना सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया है। मैंने एक कप सूजी में करीब आधा कप दही और आधे से थोड़ा सा ज्यादा पानी लगाया है और बैटर की आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। और हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने रख देंगे। साथ ही हमें जरूरत होगी एक बड़े साइज का प्याज, जिसे एकदम बारीक काटा हुआ है, एक बड़े साइज का टमाटर, उसे भी मैंने बारीक काटा हुआ है और दोनों चीजें मैंने एकदम छोटी छोटी और एक ही नाप से काटी हुई हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी हमें जरूरत होगी गन पाउडर की, और इसकी रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एक छोटा सा हरी मिर्च बारीक कटी हुई। गन पाउडर मसाले में सारे मसाले होते हैं, इसलिए हमें और किसी मसाले की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने ही सामानों से हम ये इडली बनाकर तैयार कर लेंगे। और 10 मिनट हो चुके हैं, सूजी भी हमारी अच्छे से फूल गई है, हमें इसके लिए बहुत ज्यादा पतली सूजी की जरूरत नहीं है। इडली के बैटर में हमें इनो डालना है, लेकिन उससे पहले हम इसमें से थोड़ा सा बैटर अलग कर लेंगे, क्योंकि इनो तो हमें हर बार डालना होगा। अगर आपने इनो एक साथ डाल दिया तो इडली अच्छी बनकर तैयार नहीं होंगी। और बस आधा बैटर मैंने अलग कर लिया है और आधा इसी में छोड़ दिया है। और हम सूजी वाले बैटर में इनो डालेंगे, ये मैंने 1/8 टीस्पून इनो लिया है, ये इसमें डाल देंगे। और एक पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और अगर आप मेरी रेसिपी इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप माहेश्वरी रसोई इंग्लिश को विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बस इसके बाद हम वेट नहीं करेंगे, गैस ऑन करेंगे और उसके ऊपर मैंने एक बारीक पैंदे का बर्तन रख दिया है और उसके अंदर हम 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे, अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। हम स्पॉट इडली बनाने हैं, यानी कि हम स्पॉट पे ही इडली बनाएंगे। थोड़े थोड़े प्याज हम रखते जाएंगे, उसी के ऊपर हम ये टमाटर रख देंगे और ये जो इडली वाला बैटर था हम इसे इस तरीके से इसके ऊपर डालेंगे, ये हमारे प्याज और टमाटर अच्छे से कवर हो जाए। मैंने करीब 2 टेबल स्पून बैटर डाल दिया है, गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे। बस इसी समय हम इस पर ये एक एक दो दो हरी मिर्चें डाल देंगे, जिससे अच्छा और तीखा सा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, और इसके बाद हम इसे करीब 3 मिनट तक ढककर छोड़ देंगे, गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे। और आप देख सकते हैं कि इडली अच्छे से पक चुकी है और ऊपर से पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है। और हम इडली के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा बटर लगा देंगे, और अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं, आप बटर पसंद नहीं करते, आप अवॉइड कर सकते हैं। और इस समय गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जिससे नीचे भी अच्छा कलर आ सके और इस इडली में बटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है।
और 30-40 सेकंड तक दूसरी तरफ भी मैंने सेक लिया है और इडली हमारी दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक गई है और हम इन्हें अलग प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। और एकदम डिफरेंट स्टाइल से लेकिन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बनी हुई हमारी ये हैदराबादी स्पॉट इडली बनकर तैयार है और हम इसे अच्छे से गन पाउडर डाल देंगे। ये होममेड गन पाउडर है और इसकी रेसिपी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ इस इडली का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। एकदम नए तरीके से बनी हुई स्पॉट इडली की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लोगों की लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं।